फ्रेंड्स तो फाइनली आप लोगों ने वीडियो का थंबनेल देखा तो जान चुके मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एमएक्स टिकटक एप्लीकेशन के बारे में। एमएक्स टिकटक एप्लीकेशन पे एक दिन के अंदर में हम लोगों को कितना वीडियो अपलोड करना चाहिए, 2 वीडियो अपलोड करना चाहिए, 10 वीडियो अपलोड करना चाहिए या 20 वीडियो अपलोड करना चाहिए, या हम लोगों को एक दिन के अंदर में मात्र 1 वीडियो अपलोड करना चाहिए। तो इस आज के इस वीडियो में आप लोगों को लाइव प्रूफ बताने वाला हूं कि आप लोगों को एमएक्स टिकटक एप्लीकेशन पे एक दिन के अंदर में आप लोगों को कितना वीडियो अपलोड करना चाहिए और एमएक्स टिकटक का कम्युनिटी गाइडलाइंस क्या कहता है, एमएक्स टिकटक कम्युनिटी गाइडलाइंस की मदद से आप लोगों को क्या बताता है, आप लोगों को कितना वीडियो एक दिन के अंदर में अपलोड करना चाहिए, पूरी जानकारी आप लोगों को इसी वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। साथ ही आप लोगों को छोटी और नाजुक रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना, चैनल पे ना तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे एमएक्स टिकटक से रिलेटेड काफी सारी नॉलेजेबल वीडियो आप लोगों को देखने को मिलते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, चलिए जान लेते हैं कि आखिर एमएक्स टिकटक का कम्युनिटी गाइडलाइंस क्या कहता है। एमएक्स टिकटक कम्युनिटी गाइडलाइंस क्या कहता है कि आपको एक दिन के अंदर में कितनी वीडियोस अपलोड करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एमएक्स टिकटक का कम्युनिटी गाइडलाइंस कहता है कि आपको एक दिन के अंदर में न्यू अगर यूजर्स हो तो आपको 5 वीडियोस अपलोड करना चाहिए। और फ्रेंड्स यहाँ पे कौन कौन से वीडियोस अपलोड करना चाहिए, चलिए हम लोग सबसे पहले उसके बारे में जान लेते हैं, उसके बाद आगे क्या बात जो है आगे करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो भी आप कैटेगरी से रिलेटेड वीडियो बनाते हो, लिपसिंग करते हो, तो आपको यहाँ पे 4 लिपसिंग से रिलेटेड वीडियो आपको बनाना है और एक जो आपका वीडियो होगा वो होगा आपका ट्रेंडिंग हैशटैग पे। जैसे कि आप लोग सर्च वाले आइकन पे जाओगे, डिस्कवर पेज पे जाओगे, ऊपर की तरफ में आप लोगों को पोस्टर चलते हुए नजर आते हैं, वहां पे जो भी हैशटैग आता है उस पे आपको वीडियो बनाना पड़ेगा। यानी कि आपको एक दिन के अंदर में 5 वीडियोस को क्रिएट करना है और 5 वीडियोस को अपलोड करना है। एमएक्स टिकटक का कम्युनिटी गाइडलाइन साफ साफ कहता है कि आपको एक दिन के अंदर में 5 वीडियो अपलोड करना है अगर आप लोग न्यू यूजर्स हो। अगर आप लोग ओल्ड यूजर्स हो तो आप जितना वीडियो बना पाते उतना ज्यादा अपलोड करो। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप लोग जितना ज्यादा वीडियो अपलोड करोगे उतना ही ज्यादा आपका बेनिफिट होने वाला है। अब चलिए हम बता दें कि हमारा एक्सपीरियंस क्या कहता है, हमें अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से हमें एमएक्स टिकटक पर कितने वीडियोस अपलोड करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एमएक्स टिकटक पर हमारे जो है यहाँ पे मेरे बात मानो तो यहाँ पे आप लोगों को एक दिन के अंदर में 4 वीडियोस अपलोड करना है। 4 वीडियोस में सबसे पहले जो मैं आपको बता दूं कि जो 3 वीडियोस होगा आपका वो आपका कैटेगरी से रिलेटेड होगा। जो आप कैटेगरी में वीडियो बनाते हो, जो आप अगर लिपसिंग करते हो या कॉमेडी करते हो या अगर कोई भी जैसे स्टैंड वगैरह करते हो, तो आपको यहाँ पे 3 वीडियो जो है आपको अपने कैटेगरी से हिसाब से ही डालना है। और एक वीडियो जो होगा ये होगा आपका जो है ट्रेंडिंग हैशटैग पे, जो आपको ट्रेंडिंग हैशटैग में बताया जाता है उसको फॉलो करके, उसके कम्युनिटी गाइडलाइंस का फॉलो करके उस तरीके से आपको वीडियोस अपलोड करना है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको बता दिया होगा कि कितना आपको वीडियोस अपलोड करना है। अगर एमएक्स टिकटक के कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ चलोगे तो मैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर एमएक्स टिकटक कम्युनिटी गाइडलाइंस को फॉलो करोगे तो आपको यहाँ पे 5 वीडियोस अपलोड करना होगा। तो आपको अगर आप लोग रोजाना 5 वीडियो अपलोड करोगे तो आपको एमएक्स टिकटक जो है खुद से रिकमेंड करना स्टार्ट कर देगा। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना कि आप अपने वीडियोस की कैटेगरी को सेलेक्ट करें भी नहीं, अपलोड मत करना, नहीं तो आपको कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। तो मैंने कैटेगरी से रिलेटेड भी वीडियो बनाया हुआ है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हो, या हमारे चैनल पे भी वीडियो पड़ा है तो वहां से भी जाकर आप लोग चेकआउट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने तो आपको ये बता दिया, आप कल जो वीडियो आने वाली जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर एमएक्स टिकटक जब आप वीडियो अपलोड करोगे तो उसमें आप लोगों को एक दिन के अंदर में कितनी हैशटैग लगाना चाहिए, यानी कि एक वीडियो के अंदर में आपको कितनी ज्यादा हैशटैग जो है यूज करना है जिससे आपका वीडियो वायरल हो सके। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ मेरे बताया इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगा, वीडियो को भी पार्ट क्लिप अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर एमएक्स टिकटक से रिलेटेड काफी सारी नॉलेजेबल वीडियो आपको देखने को मिलते रहते हैं। चलिए फिर मिलता हूँ आपको अगले इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।